वो कोरल्स जो मैंने नीचे देखे हैं और जो फॉर्मेशन एक तरीके से अंडर वाटर फॉर्मेशन मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखी है, वो लाजवाब थी। मतलब मैं उसको सही में बयान नहीं कर सकता। मैं तो बस ये बोलूँगा, जिंदगी में एक बार आप ये चीज़ ज़रूर करिए। Hey guys, welcome back to our channel, The Trending 2. Good morning, यहाँ पोर्ट ब्लेयर से, और अभी हम निकल गए हैं राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स जेट्टी की तरफ। वहाँ से हमें फेरी या जेट्टी मिलेगी रॉस आइलैंड के लिए। तो आज का प्लान है रॉस एंड नॉर्थ बे। सो वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं कि टिकट्स वगैरह कैसे मिलते हैं। नाना लवर हो गया, पूरा खुश हो रहा है लड़का। कहाँ घूम सकते हैं अभी अंडमान में? आपको टाइम रहने दे, बारह टांग जाने सकते हैं, 3-4 दिन रहने दे, डिगलीपुर तक जाने सकते हैं। बारह टांग और डिगलीपुर में क्या क्या है? आपको बारह टांग में लाइफ स्टोन केव है, मड बालकोना है बारह टांग में, फिर जाने रास्ते में आदिवासी दिखेगा, उसको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करने सकता। अभी हम जेट्टी पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे काफी रश लग रहा है, और जो हमारे टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने हमें यहाँ पे गाइड कर दिया था कि आप यहाँ पे जाके टिकट करा सकते हैं। यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, और 770 पर पर्सन की टिकट है। रॉस और नॉर्थ बे दोनों आपको वो घुमाने ले जाएंगे। आसपास हैट्स हैं बहुत सारी, अगर आप हैट खरीदना चाहते हैं हैट खरीदिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, और उसके बाद आपके लिए जेट्टी तैयार है। हर आधे एक घंटे में यहाँ से जेट्टी जाती है, तो आपको प्री प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुबह सुबह आइए, यहाँ पर आपको आराम से टिकट मिल जाएगी, और काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को टिकट नहीं मिलेगी। बहुत जेट्टी चलती है क्योंकि रॉस और नॉर्थ बे दोनों ही बहुत पास है पोर्ट ब्लेयर के, तो कम्यूटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉर्थ बे आइलैंड आपने सभी ने देखा है, इंडियन करेंसी के बैक साइड पे जो आइलैंड मेंशन किया गया है वही हमारा नॉर्थ बे आइलैंड है। नॉर्थ बे कोरस आइलैंड से भरा हुआ आइलैंड है। ये सारी जो बुकिंग हो रही है जो 770 रुपी पर पर्सन है, ये सारी प्राइवेट यहाँ पे चल रही है। अगर गवर्नमेंट फेरी की हमको आपको पता चलता है कि कितने की बुकिंग है और क्या प्राइस रहता है। अभी गवर्नमेंट फेरी नहीं चल रही है, फॉर इंफॉर्मेशन गिवन बाय लोकल्स ने ऐसा बताया कि अभी गवर्नमेंट फेरी नहीं चल रही है, और तो गवर्नमेंट फेरी अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अभी के लिए चलते हैं रॉस पे। अभी हम जेट्टी से जाने वाले हैं, तो जहाँ पे हमें उतारा था टैक्सी वाले ने उससे लगभग 500 मीटर अंदर चल के ये यहाँ पे हमें पूरी रोड आपको कवर करके आनी है बेसिकली, तो 500 मीटर से ज़्यादा ही है लगभग। हाँ, तो मतलब लगभग 700-800 मीटर आपको चल के जाना है, और वहाँ से फिर आपको बोट मिलेगी। सीरियसली इतनी गर्मी है ना सच में, अब मन कर रहा है यार दिल्ली में कितना अच्छा मौसम था, लेकिन फिर भी वाटर यहाँ पे थोड़ा मुझे अच्छा दिख रहा है इन कंपेरिजन टू कॉर्बिन को। ये जहाँ पे अभी हम आए हैं, दिस इज अबरदीन जेट्टी, इसका दूसरा नाम अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करिए, राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स भी है। तो जब आप एंट्री करेंगे तो आपको राजीव गांधी के नाम से मिलेगा, अंदर आप जब आएंगे आपको पता चलेगा कि अबरदीन जेट्टी के नाम से है। यहाँ से स्पेशली नॉर्थ बे एंड रॉस की ही जेट्टी चलती है, तो बाहर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको इजीली बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे या बोट वाले मिल जाएंगे जो आपकी टिकट बुक कराएंगे। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ये बोल रहे थे कि आप वाटर एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हैं वहीं पे। काफ़ी लोग मतलब फोर्स कर रहे थे एक तरीके से आपको कि आप वाटर एक्टिविटीज़ ये ले लीजिए वो ले लीजिए, वहाँ पे नहीं मिलेगा नॉर्थ बे के अंदर। तो अभी हमने उसको स्किप किया है क्योंकि वी थिंक ही हैवलॉक में हमको बेटर मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं विज़िट करने, वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर मन करेगा तो कुछ वाटर एक्टिविटी कर लेंगे, नहीं मन करेगा तो घूमेंगे रेस्ट करेंगे। भैया बच्चों का भी लाइफ जैकेट है क्या? बच्चों का, इतने छोटे बच्चे का, उनको मैं बोट में बहना दूंगा। कहाँ कहाँ से रहोगे? कितनी देर लगेगी भैया यहाँ से? 15 मिनट। और कुछ यूं हमारा सफ़र शुरू हुआ नॉर्थ बे आइलैंड का। नॉर्थ बे आइलैंड जाते समय हमने सोचा था कि हम कोई भी जो वाटर एक्टिविटी होगी वो हैवलॉक आइलैंड पर ही करेंगे और यहाँ पर अवॉइड करेंगे। पर जब हम नॉर्थ बे आइलैंड पहुँचे तो हमारा मन एकदम बदल गया। वहाँ के साफ पानी ने हमें अपनी तरफ मोहित कर लिया और हमने सोचा कि स्नॉर्कलिंग तो यहाँ कर ही लेनी चाहिए, चाहे फिर हम स्कूबा डाइविंग हैवलॉक आइलैंड पर कर लें।
पर सच मानिए ये हमारा बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि जब हमने हैवलॉक पर स्नॉर्कलिंग को देखा और नॉर्थवे आइलैंड की स्नॉर्कलिंग तो हम कर ही चुके थे, तो हमें लगा कि नॉर्थवे आइलैंड की जो स्नॉर्कलिंग थी वो अंडमान की बेस्ट स्नॉर्कलिंग में से एक है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थवे आइलैंड। ऊपर चल घूम के देखने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर लॉकर रूम में वॉशरूम है, हार्ड वगैरह लंच वगैरह आप लोग कर सकते हैं। जितना भी लोग आता है, जितना भी पैसेंजर आता है, सभी लोगों ने अंडर वाटर मेरीन लाइफ देखने के लिए आता, पानी का नीचे का दुनिया। लोग जाइए कश्मीर धरती का स्वर देखिए, लोग आइए अंडमान नॉर्थवे आइलैंड पानी का स्वर देखिए। और एक चीज, जिनको तैरना आता उनको ज्यादा मछलियां नहीं दिखेगा, जिनको तैरना नहीं है तो उनको ज्यादा मछलियां दिखेगी। आप जब पानी में जाएगा टापू टूपू मारेगा, मछली सब भाग जाएंगे, चेन्नई मुंबई वाइजैक कलकत्ता वापस अंडमान नहीं आएगा, हम लोग जाना पड़ेगा लेने के लिए। जिनको तैरना नहीं है तो वो तो यार देखते रहे, अरे यार क्या मछली, मछली को हाथ में पकड़ के देखे, केले की मछली से बहुत ही मजेदार एक्टिविटीज है स्नॉर्कलिंग। तो हम आ चुके हैं नॉर्थ बे आइलैंड। इन्होंने पहले बोला था कि पहले रॉस जाएंगे फिर नॉर्थ बे जाएंगे, लेकिन अभी पहले ये लोग नॉर्थ बे ले आए हैं। और नॉर्थ बे में जो है, अभी अगर मैं अपना व्यू आपको बताऊं तो वाटर बहुत ही क्लियर है, तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि कोरल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, स्कूबा भी होती है, स्नॉर्कलिंग भी होती है, ग्लास बोट भी होती है, सी वॉक भी होती है, लेकिन स्नॉर्कलिंग स्पेशली लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ की स्नॉर्कलिंग काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि अंडर वाटर व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आइलैंड पे करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सिट बैक कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बीच कोई प्रॉपर नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स काफ़ी दिख रहे हैं और बोलते हैं कि एकदम से डीप हो जाता है, तो पानी में जाना भी बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे। स्नॉर्कलिंग इज़ गुड। स्कूबा अभी हमें पता नहीं है कि कैसी होती है क्योंकि हमने करी नहीं है, लेकिन स्कूबा लोग ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। स्नॉर्कलिंग के लिए बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छे कोरल्स और फिशेस देखने को मिलेंगे नीचे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करते हैं और देखते हैं हम कौन सी वाटर एक्टिविटी करने वाले हैं। ये 1 2 चलो चलो फेंक दो। अरे हमें तो खा रहा है, हमें को रीफ्स इतने पसंद आए कि हमें खा रहा है। नहीं इसको सही नहीं है बेटा, इधर ये देखो 1 2 पापा आ गए बस। तो वहाँ से जब हम टिकट ले रहे थे तो वहाँ पे जो एजेंट्स थे उन्होंने बोला था कि आप यहीं से बुक करा के जाइए वाटर एक्टिविटीज़। ये थोड़ा सा मतलब मेरे को चेंज लगा, यहाँ पे भी आप वाटर एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी हमें फील हुआ था, हाँ वहाँ हमें पता था कि यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं कराया था। हमने सोचा यहाँ पे देख के आइलैंड को, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा वॉक करते हैं, देखते हैं पूरे आइलैंड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अवेलेबल है। नॉर्थ बे आइलैंड आने में हमें 15 मिनट्स लगे थे। यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको बोट्स आती जाती दिखेंगी, तो टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं। कोविड के बाद मैं देख रही हूँ टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा है क्योंकि लोगों को काफ़ी टाइम बाद मौका मिला है। मास्क वगैरह लोग कम ही यूज़ कर रहे हैं। एंड दीज आर द शॉप्स, आप इधर से निकर टी शर्ट्स ये सब बाय कर सकते हैं। ये रेंट पे आंटी जी। कैसे है? 50 तो अगर आप क्लोथ्स नहीं लाए हैं तो 50 रुपीज़ में आपको रेंट पे इजीली कोई भी मतलब क्लोथ्स मिल सकते हैं। आप वाटर एक्टिविटी इंजॉय कीजिए और अपना क्लोथ्स चेंज कीजिए। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ पे नीचे सारे वाइट कलर के स्टोन्स हैं और नीचे से ही निकले हुए पत्थर हैं जो यहाँ पे जमा हो चुके हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर पत्थर हैं, पत्थरों के नीचे छेद हो चुके, तो कोरल्स जो हैं यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं। तो अभी अगर स्नॉर्कलिंग की बात करें, चार्जेस की अगर बात करें, तो स्नॉर्कलिंग मेन एक्टिविटी है जैसे, वो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है। तो ग्लास बॉटम अगर आप देखें वो भी लगभग इसी रेंज में है। अगर आप सी वॉक या स्कूबा करते हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली है, आई गेस 3500 इज़ फॉर स्कूबा एज ही टोल्ड, और सी वॉक का भी कम से मतलब इतना ही होगा। और बोला है कि जिनको थोड़ा सा घबराहट होती है या फिर अस्थमा वगैरह कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं वो स्कूबा और सी वॉक में ना जाएं। स्नॉर्कलिंग इज़ ओके फॉर एवरीवन, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं, स्नॉर्कलिंग को ट्राई करते हैं आज। आपको दिख रही है ये सारी घूमती हुई, ये देखो ये फिश है। अरे यार कुछ वो खाने के लिए लाएंगे ना इनको, ये सारी पास ही आ जाएंगे। नाना जा रहे हैं पानी के अंदर, आप तो जा नहीं रहे। पापा जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग। पापा इधर दिखाओ एक बार शक्ल, ये पापा स्नॉर्कलिंग जा रहे हैं, हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी। वहाँ जो आपको एक येलो पॉइंट दिख रहा है इधर से, वहाँ तक स्नॉर्कलिंग होती है।
यहाँ से लेके जाते हैं, उससे आगे स्कूबा डाइवर्स इधर आपको दिख रहे होंगे, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइविंग उससे उधर होता है क्योंकि वो थोड़ा गहरा है। कोरल्स जो होते हैं वो थोड़े शैलो वाटर में होते हैं, लेकिन अंदर जो फील आती है, बाय गॉड इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब आप जितनी बार करोगे उतनी बार कम है, क्योंकि इतनी सुंदर फिशेस, इतने सुंदर कलर्स। मैं भी आ रहा हूँ। और अमे क्या मस्ती, अमे तो फ्रूटी के पीछे लगा हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज तक पानी से बहुत डरता था, आज मेरा आधा डर तो खुल चुका है। मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज भी नहीं करता था, लेकिन आज सच में वो चीज़ हुई है जो मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। मैं पानी के नीचे जब गया, और पानी के नीचे क्या, स्नॉर्कलिंग में तो आप पानी के ऊपर ही तैरते हो, आपको पानी का सिर्फ नीचे दिखता है। जब आप पानी के नीचे जाओगे तो वो तो एक अलग ही फीलिंग होगी, एक अलग ही एहसास होगा। लेकिन मैं अभी पानी के ऊपर भी था और पानी से नीचे मैं देख रहा था, तो लिटरली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। मैंने वो जो कोरल्स नीचे देखे हैं, अच्छा ये बताओ, सुनो तो एक सेकंड, वो कोरल्स जो मैंने नीचे देखे हैं और जो फॉर्मेशन एक तरीके से अंडर वाटर फॉर्मेशन मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखी है, नेकेड आई से अपनी एक तरीके से, ना पर ऐसा नहीं कि मैंने कहीं टीवी पे देख रहा हूँ कुछ, मैंने अपनी जो नेकेड आई से नीचे जो अंडर वाटर फॉर्मेशन देखी है वो लाजवाब थी। मतलब मैं उसको सही में बयान नहीं कर सकता। मैं तो बस ये बोलूँगा, जिंदगी में एक बार आप ये चीज़ ज़रूर करिए, स्नॉर्कलिंग तो खास कर। नमकीन पानी है, पहला सी वाटर एक्सपीरियंस, पहला सी का एक्सपीरियंस। तो सोच रहे नमक का खाने को मिल रहा है। रुको हमें आग पे मत मारो, आग पे नहीं भाई, ऐसे छप छप, कोई बात ये कौन करेगा। एक बच्चे को कितना मजा आता है आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर। इतना नमकीन पानी है खाना खाने की जरूरत नहीं है, नमक पानी नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, जब शुरू में पानी के मतलब अंदर जाते हैं तो कैसा लगता है? जब मैंने फर्स्ट टाइम मास्क लगाया तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि मेरी सांस शायद थोड़ी सी फूल रही है हल्की सी। जैसे उसने मेरे को पानी पे फ्लोट किया, मेरी तो जान निकल गई, आज तो मैं गया हुआ सिक्के। लेकिन जब वो फ्लोट होके उसने थोड़ा सा बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, स्टेबलाइज हो जाओगे आप 2 मिनट में, तो जब मैं स्टेबलाइज हुआ और मैं अपने ही फ्लो में जब तैर रहा था पानी के ऊपर, वो एक अलग ही दुनिया थी। एक मेरे आसपास ही घूम रहे थे तो वो उसने दिखाई, वो कौन सी मछली थी, सील, ईल, ईल, ईल। तो विवेक, पहले मैंने पूछा कि भैया ये काटती तो नहीं है, सेम क्वेश्चन विवेक ने दोबारा पूछा, भैया ये काटती तो नहीं है, इतना लंबा सा सांप था मम्मी। हाँ, इतना लंबा सांप। मतलब एक पापा तो गए, देखो एक हाथ जितना लगभग, देख पापा वहाँ गए, पापा तो मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। पता है आपको मम्मी, आधे कोरल ऐसे तैसे टच करोगे ना, इतनी कुछ आई चली गई। तो आप भी जा सकते हो अगर आपको करनी है तो। मैंने जाऊंगी नहीं, पता क्या नहीं करोगे, मैं तो YouTube में देख लूंगी, मुझे नहीं जाना। सुनो ना, ये देखो ये चप चप कर लड़का, चप चप। हम अभी नॉर्थ बे आइलैंड पर हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग भी चल रही है, आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। प्राइस हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बता दिए हैं कि क्या प्राइस है स्नॉर्कलिंग का, क्या प्राइस है स्कूबा डाइविंग का। लेकिन जैसा मैं एक्सपीरियंस मेरा स्नॉर्कलिंग का था, वैसा एक्सपीरियंस अगर स्कूबा डाइविंग का रहेगा तो आपके पैसे वर्थ इट हैं। आपको पता ऐसे कोरल्स थे, ऐसे टच करो बंद हो जाते हैं, ऐसे बंद करो कलर चेंज हो जाता है। हमें ना देखो, देखो बिल्कुल ब्रेन टाइप के भी थे, ब्रेन फॉर्मेशन उसने दिखाई थी। बहुत सारी फॉर्मेशन हमने देखी वहाँ पे, एक तो ब्रेन फॉर्मेशन भी थी जो बहुत बड़ी थी, जब कोरल बहुत बड़ा हो गया तो वो ब्रेन टाइप का बन गया है। छोटे छोटे कोरल्स जो थे वो आपने देखे ही होंगे टीवी पे या कैसे भी मतलब फोटोज में। आप ये मान लो वो कौन सा आता था जिसमें पॉपी पॉप 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 करते थे ना, कौन सा, एक जो लंबे लंबे से आते हैं, आपने श्रेक का चेहरा देखा होगा ना, तो श्रेक के चेहरे में जो दो ऐसे ऐसे उखड़े रहते हैं, वो दो जो होते हैं वो उसी तरह के बहुत सारे एक तरीके से गोल से स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दीजिए, या वायरस का स्ट्रक्चर सोच लीजिए, वायरस जैसा स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल कोरल का। अच्छा, एक चीज़ और मतलब मैं सोच रही थी मैं शायद कोई वाटर एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसे विमेन जो है वो पीरियड्स पे भी होती हैं कई बार, तो उस चीज़ का एक प्रॉब्लम रहता ही है कि वाटर में जाएं कैसे जाएं, तो उस चीज़ के लिए आप मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ कर सकते हो। मैं वो यूज़ कर रही हूँ इस ट्रिप पे, इस वैकेशन पे फर्स्ट टाइम, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है उसको लेके, तो आप उसको यूज़ कर दें। और लहर बहुत तेज़ आ गई है, और लहर बहुत तेज़ आ गई है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और ईजिली वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और अपने वैकेशन को भी इंजॉय कर सकते हैं। हमें अभी ऐसे ही बैठी रहे, कुछ नहीं होगा। तो
उस चीज के लिए तो मैं बहुत ही फ्रीली अपने वेकेशन को एंजॉय कर पा रही हूँ और वाटर को भी एंजॉय कर पा रही हूँ। मेरे पैर पे जस्ट अभी एक मछली कुट 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 कर रही है यहाँ पे। एक बार ना बता दीजिएगा एक एक चीज के बारे में। हाँ, ये लाइफ फ्लोट है, ये लाइफ जैकेट हो गई, ये फुल मास्क कवर्ड है जो आप स्नॉर्कलिंग में प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, सांस लेने में आराम होता है। मतलब बेसिकली इसमें पानी तो नहीं जाता अंदर, कानों में जाएगा। हाँ, कुछ तकलीफ नहीं है। तो कोई तकलीफ नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू भैया। अच्छा हाँ, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं भैया की रिक्वेस्ट पे कि किस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बेसिकली देखो, मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैंने भी जस्ट अभी पहली बार किया है, तो इसलिए फोटो रख लो, कुछ हो गया तो। हाँ फोटो रख लो। आपका नाम क्या है? अनुराग। अच्छा, मेरे को आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सांस लेते रहना है ना, बस सांस ले, बॉडी फिल रखना है बस। अच्छा, मैंने भी फर्स्ट टाइम करी थी अभी। अच्छा, मेरा भी ऐसे यही क्वेश्चन थे जो आप अभी पूछ रहे हो, बिल्कुल एकदम लिटरली। लेकिन लिटरली बहुत अच्छा लगेगा, एक बार जाके देखो बस सच में। अभी तक मैं दो लोगों को तो रिकमेंड ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे बैठ के। आप यूट्यूबर हो? हाँ, यूट्यूब पे चैनल है हमारा, एक जिंदगी के पन्ने नाम से है। वैसे अभी हमने ट्रैवलिंग के लिए एक नया खोलने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ से ही, तो उसके लिए वीडियो चल रही है अभी, द ट्रेंडिंग 2 करके। मतलब इंस्टा पे कहीं पे भी आप देखेंगे द ट्रेंडिंग 2 नाम से मिल जाएगा आपको। बात भी कर सकते देखते हुए, अब तक थोड़ा थोड़ा गाड़ी है वहाँ से, हल्का हल्का पानी अंदर लीक होगा, तब नीचे जब देखेंगे ना हेड अप करेंगे तो पानी यहाँ से ऑटोमेटिक गिर जाएगा। आपको मास्क खोलना ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा। मास्क खोलना तो कैसे? हाँ, ऐसे खोलना नहीं पड़ेगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा। ऐसे करूँगा तो पानी निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। आप नीछे बैठ जाइए, नीचे बैठिए, बॉडी को फिर छोड़िए, लूज इसको पकड़ना नहीं है, हाथ को सामने रखिए, पैर पीछे छोड़ दीजिए, स्ट्रेट थोड़ी सी देर सांस तेज होगी, बाकी फिर ठीक हो जाएगा। ये हमारे तीसरे योद्धा आए हैं, थोड़ा सा बता दो कैसा एक्सपीरियंस था अंदर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी कलरफुल, और वास्तव में इनकी बड़ी मेहनत है ये जो है। हाँ, मैं भी यही पायल को बोल रहा था कि भैया को बहुत खींचना पड़ता है, कैसे कितना खींचते हैं, और फिर तरह तरह की जानकारी भी है इनको कि भाई कौन सी फिश कैसी है। हाँ, कोई जहरीली भी है तो कोई वैसी है। आप जब पानी में, जैसे आपको तो तैरना आता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा वैसा बताओ कि पानी में गए तो कैसा लगा? पानी में जाने के बाद में जो अंदर डेप्थ है ना, एक बार तो उसको देख करके डर तो लग ही जाता है, लेकिन ये साथ है तो इसलिए फिर हिम्मत बढ़ जाती है। सही बात है, वास्तव में पैसे इतने ज्यादा वैल्यू नहीं करते जितनी एक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इन लोगों का साहस। अच्छा, स्कूबा कितने में कराते हैं भैया? साढ़े तीन हजार में। अच्छा, और स्नॉर्कलिंग 1000 में? कभी स्विमिंग मैंने करी नहीं है, तो आज तक मेरे को आती नहीं थी, तो अभी मैं स्नॉर्कलिंग तो मैंने बहुत इजीली कर ली, स्कूबा भी इजीली हो जाता है या कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए? स्पेशल ट्रेनिंग सर, इसमें आपको जो मेडिकल फिटनेस, हाँ मेडिकल फिटनेस तो है ही, मतलब ठीक ठाक है अभी तो। इसके अलावा हमारे जो डाइव मास्टर है वो आपको कुछ देर का ट्रेनिंग देगा, 25 मिनट्स का। अच्छा, ट्रेनिंग में आप अगर सर्टिफाई है तो आपको ले जाएंगे। अच्छा, 25 मिनट्स का पहले ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। ओके 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 ठीक है। मेडिकली फिटनेस तो वैसे जरूरी है। मेडिकल फिटनेस कैसे पता लगेगी कि आप मेडिकल फॉर्म देंगे उसमें सब लिखा? अच्छा 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 अच्छा, करवाई थी मैं को भी, नीचे पैर नहीं रख रहा था, धीरे धीरे करके धीरे। अच्छा बताओ आपको कि वर्थ इट लगा कि नहीं लगा? हाँ नहीं, ठीक है, अच्छा है वो, अंदर जा करके तो जो गहराई दिखाई देती है। हाँ, और एक आधी जो मछली है, फिश जो है, अगर मान लो काट भी जाती है, करती है। नहीं, खाना वाना कुछ नहीं खिलाया मैंने, उसने हमें दिया था। अच्छा, इतनी सारी फिश आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सही में, वैसे भी चार तरफ घूम रही थी, कलरफुल थी बहुत। हाँ, अच्छा लगा ना, मतलब वर्थ इट है ना। मामा, ओ माय गॉड,
क्या कर रहा है अब? मैं जी सो गए हैं पूरा थक के, मतलब पानी के अंदर चप-चप करके। हाँ, चप-चप करके। और हम लोग अभी पेट पूजा करके बैठे हैं। यहाँ पे नॉर्थ बे पे खाने के काफी ऑप्शंस हैं। इधर इस टाइप का एक शेड बना हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए आराम से छाया के अंदर। ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे शेड है, यहाँ पे लॉकर्स वगैरह हैं, आप अपना सामान रख सकते हो। और इधर से अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने पीने के कैसे ऑप्शंस अवेलेबल है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये शेड डले हुए हैं, टेम्परेरी टाइप शेड्स ही हैं, और यहाँ पे सारी शॉप्स हैं लाइन से खाने की। तो आप आओ आराम से यहाँ पे लंच करो, उसके बाद दूसरे आइलैंड पे चले जाओ। खाना ठीक ठाक है, टेस्ट में रेट्स भी ओके हैं। अभी हमने फ्राइड राइस खाया और वड़ा खाया। तो मुझे पर्सनली सबसे लास्ट में एक ये शॉप आती है, आंटी की शॉप, ये सबसे अच्छी लगी है अब तक, क्योंकि इनका रेट भी थोड़ा रीजनेबल है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश खाना दे रही है। तो दिस इज़ अ गुड स्पॉट टू ईट आई गेस। सबसे लास्ट में थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन वर्थ ईटिंग। और इधर पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको वॉशरूम्स भी नज़र आएंगे। वॉशरूम्स क्लीन हैं, आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस आइलैंड इज़ बेसिकली फॉर वाटर एक्टिविटीज़। आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे आपको ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक्टिविटीज़ के लिए ही फेमस है, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए ही लाते हैं। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आके आप एक्टिविटी लें, थोड़ा सा आपको और सस्ता पड़ेगा। अगर आप शुरू में ही ले लेंगे तो दे विल चार्ज यू अ लिटिल मोर। अभी यहाँ से हमें रॉस जाना है, तो रॉस आइलैंड के अंदर देखते हैं क्या है। अभी नॉर्थ बे से करते हैं टाटा बाय बाय एंड वील सी यू इन रॉस। नॉर्थ बे आइलैंड छोड़कर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहते हैं ना जिंदगी चलने का नाम है, तो हम चल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, जो था रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड नॉर्थ बे आइलैंड से थोड़ा डिफरेंट है, और वहाँ पर नॉर्थ बे की तरह वाटर एक्टिविटीज़ नहीं हैं, लेकिन वहाँ चलने के लिए, घूमने के लिए काफ़ी जगह है, और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए उतना ही एक्साइटेड हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी चैनल पर देखते रहिए द ट्रेंडिंग 2।